योर सब गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जाने वाले पाल वर्ल्ड। तो लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने इस वर्ल्ड में आकर बहुत से पोकेमोन पकड़े थे और हमारा थोड़ा सा छोटा सा बेस बना लिया था यहाँ पर। और दो चार पोकेमोन एक्स्ट्रा पकड़ने के बाद वो वहाँ पर चल रहे और वो उड़ रही, वो दोनों पकड़ लिए थे हमने। तो उसके बाद हम लोगों ने अभी आज वाले एपिसोड में मेरा एक दो प्राइमरी गोल होने वाले। पहला प्राइमरी गोल एक अच्छा सा तगड़ा सा पोकेमोन पकड़ना और दूसरा गोल होने वाला है हमारा एक घर बनाना। तो हम अभी घर बनाने वाले हैं, तो हमारे पास लकड़ी की तो इतनी कमी नहीं है, तो उसके लिए मेरे को अभी लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी। तो अभी इसमें भी लकड़ी होती है क्योंकि ये लोग उठा के लेके आते हैं ना, तो मैं अभी मेरे बैग में डाल देता हूँ। तो हाँ, तो लास्ट वाले एपिसोड में मैं थोड़ा सा घूमने फिरने भी गया था, तो मेरे को दो चार एक्स्ट्रा पोकेमोन भी मिले थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से, ये तो कैटाविया ही आपको पता ही होगा। तो ये हमारा हुक रेट है। तो हाँ, इसके उस वो को तो जाने देते, पर तो यहाँ पर है वो पोकेमोन डेप्रेसो, ये भी पकड़ लिया था हम लोगों ने। ये क्रिमिस भी पकड़ ली थी और ये घुमोस तो पहले से ही था हमारे पास। ये लैम बॉल का मिशन भी कंप्लीट कर दिया था। तो उसके बाद मैंने एक स्पेशल पोकेमोन जिसका नाम है ये स्पार्कलेट, ये नहीं, उसके साथ नहीं, वो बहुत ताकतवर होता है। तो अभी हम इसको इस कोपरे में ही रख देते। तो ये है हमारा स्पार्कलेट, ये है पिकेचू टाइप का पोकेमोन, मतलब पिकेचू जैसे इलेक्ट्रिक वो करते हैं तो वैसे ही वो यही करते, ये भी करता है। तो अभी ये इसके साथ मारा मारी करेगा बड़े वाले के साथ, इसलिए मैं इसको बैग में रख देता हूँ क्योंकि नहीं ये ना बहुत ताकतवर है, बड़े साइज वाला मैमोरेस्ट। इसको भी पकड़ लेंगे बाद में जाके, अभी नहीं पकड़ना। बनाने के लिए मेरे को अभी चाहिए होगी फाउंडिंग। तो उसके लिए मेरे को लगेंगे वुडन फाउंडेशन। तो मैं घर अभी थोड़ा पीछे बना लेता हूँ, यहाँ पर जगह है तो सही, तो यहाँ पर बना देंगे थोड़ा सा बड़ा बनाने वाले। तो उसके लिए अभी मेरे को वापिस उस पे करना पड़ेगा, तो 4x4 का बनाएंगे। तो इतना सा काफी है 3। तो मेरे को अभी चाहिए होगे इसका वॉल, तो मैं इस आगे से एंट्री रखने वाला हूँ। एक गे यहाँ पर भी हो गए, मतलब पीछे के साइड पे दो वो रखेंगे और बाकी इस साइड में एक और इस साइड में एक गेट रखेंगे। तो बाकी सारा वुड से कवर करेंगे अभी, वुडन की वॉल से। तो यहाँ पर भी एक वुडन की वॉल आएगी। तो आगे आगे एक आएगा और यहाँ पर मेरा वो आने वाला है डोर, वुडन का डोर। अंदर कैसे जाए, एक सेकेंड, इसका नहीं, ऊपर कैसे जाने को होते, मतलब चढ़ के ही जाना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पर मेरे को अभी रूफ लगानी है, तो मैं अभी थोड़ा सा रूफ अभी के लिए यही लगा देता हूँ, बाद में जाके इसको और बड़ा करेंगे। हाँ, तो मेरे पास वुड की बहुत कमी हो चुकी है, इसलिए और वुड इकट्ठा करके लाएंगे तब बनाएंगे हम अच्छे से घर। तो फाइनली बेसिक हाउस हमारा हो चुका है। तो अभी यहाँ पे अंदर कैसे जाने का, F2 ओपन, ओके। तो मेरे को एक स्लॉटिंग बेड बनाना है, शॉबी बेड, उसके लिए चाहिए होगे वुड्स। तो वुड की कमी हो चुकी है, मैं जल्दी की जल्दी वुड ढूंढ के लेके आता हूँ, कुड़कुड़ता है फिर।
तो इसके लिए भी थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी ना। तो बेड में यहाँ पर रख देता हूँ, तो हम तीनों मिलके बना देते, वो दोनों तो है ही, मैं हम तीनों मिलके बना सकते। तो हम लोगों ने बना लिया है बेड फाइनली। तो अभी मेरा बेड भी हो चुका है, घर भी हो चुका है, तो मैं अभी देख लेता हूँ, ये अपग्रेड हो गया होगा ना, तो मैं इसको बेस अपग्रेड कर देता हूँ। मतलब मैं इस पे अभी और एक पोकेमॉन रख सकता हूँ, तो मैं क्रिमिस को रखने वाला हूँ, तो वो कहाँ गए, तो ये यहाँ पर है। अभी है फीड बॉक्स और स्ट्रॉ पाल बनाना, वो बनाते रहेंगे, पर ये अटैकिंग इसका 119 का है, इसका 142, 122, तो हमारे पेंगुलेट का कितना है, 152 का है, इसका 135, उपग्रेड का 171, 152। तो हाँ, हमारे पास पावरफुल पोकेमॉन तो है। तो अभी मेरे को कपड़े कैसे बनाने हैं वो ढूंढना है, तो उसके लिए मैंने पाल स्पीयर भी रखे थे, क्योंकि बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ने के लिए। तो ये कपड़े के लिए मेरे को चाहिए होंगे 2 क्लोथ, दोनों मिलके जल्दी बना देंगे क्लोथ। वो और एक चाहिए, मैं जितने हो सकते कम। तो अभी आउटफिट तैयार हो चुका है, हम दोनों मिलके मदद किया ना, तो फिर जल्दी हो जाते। तो एक बेड कम है और एक बेड बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं ये इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो हमने अभी फाइनली कपड़े बना लिए, तो अभी यहाँ पर भी एक स्ट्रॉ बेड रख देते। तो अभी ये लोग बनाते रहेंगे और ये लोग रहते रहेंगे, मैं जाता हूँ अभी, निकल देते हम शाम बहुत सारे जनों को पोकेमोन को पकड़ने के लिए। तो मैं आ गया हूँ इस एरिया में, यहाँ पर बहुत अलग टाइप के उड़ने वाले पोकेमोन बिकेमोन मिलते। तो अभी यहाँ थोड़ा सा घूम भी लेते। तो 1 सेकेंड, वो आगे वाली जगह कहाँ है, तो यहाँ से उड़ी मारनी पड़ेगी। ओ लगा तो नहीं हमें, पर जाते आप, मैं दिखा देता हूँ आपको मेरा स्पार्क लिट की पावर। ये बहुत तगड़ा डैमेज देता है और शॉक तो दिया इसने, इसने मार ही डाला उसे। तो ये बहुत पावरफुल हो चुका है, तो ये चिपकलिंग को मारेगा, चिपकलिंग को गया चिकी पिक भी। तो इसको मेरे आता रहेगा ये हमारे पीछे, पर बाकियों से मत पंगा ले। वो डायर हाउल, डायर हाउल ये क्या है, डायर हाउल तो ये डॉग टाइप पोकेमोन है, मेरे को ये पकड़ने होंगे, तो ये मैं फेंक देता इसको। अरे इसकी फट गई, क्या गुंडा बनेगा तू, मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये इनको लगा ना मेरे आ गए, फिर मेरे को मार ही डालेंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। और यहाँ पर केव में भी जाएंगे, तो अभी इससे पंगा लेने के लिए भेज देते। अरे मार, वो इसने बहुत तगड़ा डैमेज दिया है, ये ताकत और पोकेमोन है। मैं इसको निकल के पेंगुलेट को भेज देता हूँ, वो तो मेरे को ही मारने के लिए आ गए ऊपर। तो इसने डायर हाउल को बहुत गंदा वो कर लिया है, बहुत गंदा भूत बना लिया डायर हाउल का। पर ना ये अकेला अकेला होगा ना, तो मैं अभी भाग के जाता हूँ अंदर। मैं अंदर आ चुके यहाँ पर सिंडिकेट ठग से, तो 1 मिनट हंग रही हम। तो अभी ये चिकन खाना पड़ेगा मेरे को,
हम दोनों ने पेट भर के खा लिया। वो मेरे को मारने लगे, मेरे को मार, ले जा पेंगुलेट, मार क्या मार क्या मारना, तो के मूड में है क्या? अभी अभी ये पेंगुलेट अकेला मार डालेगा इनको। पेंगुलेट मार रहा है कि पीट रहा है? पीट रहा है लगते। अरे पेंगुलेट अच्छा पोकेमॉन है, पावरफुल है, इसका फाइटिंग स्किल बहुत अच्छा है। बाहर आ गए, बाहर आ गए, पिंगुलेट पाचा मर गया। पिंगुलेट मार दिया पिंगुलेटली। तो अभी थोड़ा हम वहां से आए थे, आगे जाते थोड़ा सा। वो यही बोल रहा था मैं, इसको अभी इससे पंगा ले थोड़ा सा, और ले पिंगलेट और ले, मारना नहीं हमें इसे, सिर्फ यही मोटो रखते रहते रहते। वो मेरे को मारे तो भी चलते हैं। फोर्टी फाइव कैप्चरिंग चांसेस है। ओ शिट, 63-72। आ जा आ जा आ जा, आ गया आ गया, फाइनली वो पोकेमॉन हमारे पास आ गया, किला मेरी। तो भी यहाँ पर बहुत अच्छा रास्ता दिख रहा है, तो यहाँ से आगे जाके देखते। वो यहाँ पर ये बहुत है, मेरे को लगता है यहाँ से सटकना चाहिए मेरे को। अभी यहाँ पर एक नया डंजन मिला है मेरे को, एम्बरडन माइंड शॉप, सॉरी डंजन नहीं है। तो अभी यहाँ से अंदर जाते, कोई खतरा होगा तो मैं पोकेमोन छोड़ देता हूँ पहले। मेरे पीछे आते रहे। ओ यार कुछ तो है, मतलब यहाँ पर हम वो करने आ सकते लगता है। F2 talk, आई कैन ट्रेड एरी पार वेदर। हाँ बता, पाल ट्रेड भी कर सकते क्या तू? ओ ये यहाँ पर बाय और शेयरिंग चलता है, तो ये सब कुछ हम ले सकते। तो बाद में आएंगे, हमारे पास पैसा नहीं इतना। बेच सकते हैं क्या तो मेरे को ये? तीन चार पांच, ये पांच को बेचने, मेरे को जितने हो सकते उतने दो। पांच को बेचा तो हो गया मेरा। मेरे को यहाँ पर एक टॉप का पावरफुल पोकेमॉन मिला है, टॉम बैट। तो मैं इससे अभी पंगा ले लेता हूँ, मतलब ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। ये मिल गया ना मेरे को 8 लेवल से, अभी मेरे को भरोसा नहीं, पर अभी ले लेते पंगा। मार पेंगुलेट मार, तेरे पे ही भरोसा है मेरे को। वो मेरे को मार रहे, वो पेंगुइन बदल के देखू क्या? स्पार्कलेट, स्पार्कलेट मार के देख। तो स्पार्कलेट भी मार सकते हैं, पावरफुल तो है स्पार्कलेट, पर मार नहीं रहा है, मूड में गया कि तू? वो ये डेंजर में, कभी इससे बच के रहना पड़ेगा। यही मार सकते हैं, पर ही धीरे धीरे ही मारते हैं। वो पिंगलेट की हेल्थ बहुत गंदी जा रही है। क्या टविया, हुकरे हुकरे को भेजो, हुकरे को, तू गलत गए, हुकरे भेज, हुकरे तो हुकरे एक बार में खपा देगा उसको। पर मेरे को ये चाहिए किसी भी करके, प्लीज आ जा, प्लीज आ जा वो हुकरे। तो मैं अभी ना थोड़ा सा ना हेल्थ बढ़ा के आता हूँ, पर ये मेरे को छोड़े तब ना। तो मैं अभी आज सटक दी। ओ क्रेट आ जा, पर एक बंदर टाइप मिला है तो उसको मैं पकड़ने वाला हूँ। तो अभी हमने सुबह से दो चार पकड़ लिए पोकेमोन, पर
फायर को, उसको मत मार, कैटेविया को मत मार, इस बंदर को, बंदर को मार, बंदर भाग रहे हैं हमारे, तो मार 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 उसे, मार प्लीज। आप फाइट ले, वो 1 मिनट, मार उसे एक बार। ओ शिट, मार ही दिया इसने, इतना पावरफुल कोई होता है क्या कभी? ले लड़ाई तीनों से ले, तीनों से ले, जो भी कम हेल्थ पे होगा ना उसको पकड़ लेंगे, वो इतना नहीं कम करना होता है। तू आ, तुम इसको अभी थोड़ा सा ही खत्म कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा अभी, तो ये हमारे कैप्चर में आ जाएगा, 75 कैप्चरिंग। आ जा आ जा आ जा, आ गया आ गया आ गया, कैप्चर हो गया फाइनली, ये 10 हमारे इसमें। तो अभी हमें वो दिखाए, वो हमारा फेवरेट वाला, कौन सा वो था ना उड़ने वाला, वो नाइट विंग। तो अभी हम लैम्बो वाले, यहाँ पर कुछ नहीं, तो हमारे पास एक भी पावरफुल पोकेमोन नहीं है, तो इससे नाइट विंग से मारा मारी किया ना हमने, उससे पहले नीचे वालों से बन लेना पड़ेगा। ये कौन सा सापू टाइप है, ये बॉस पोकेमोन चिलेट है। ओ शिट, इससे मारा मारी किया ना, ये मार ही डालेगा मेरे को, ऐसे इससे पंगा लेना है मेरे को। तो ना ये यहाँ पर है ना मेरा, वो फॉक्स मार, फॉक्स मार, फॉक्स मार, वो ये मेरे से पंगा ले रहे हैं। मारा मारी, ज्यादा मत खत्म कर, ज्यादा मत खत्म कर इसे, ये वापिस आ, वापिस आ, तू तू आ, तू अंदर आ जा। हो गए, ये खत्म हो गई थी, अच्छा हो गया लास्ट मोमेंट में देख लिया। तो फाइनली एक कौन सी तो पावरफुल पोकेमोन मिल गया हमें, वाव गुड। नहीं ये काम करूंगे फिर, जाने देते, वैरायटी के लिए पकड़ लेते। मार रे मार, ये पावरफुल पोकेमोन, मेरे को लगे ये टाइम पास। ओ ये ना कुछ कुछ पोकेमोन मर ही जाते पता है क्या, हम जाते मारने के लिए तो ये तो मार ही डालते कंप्लीटली। ये लिप मांगे हमारे पास है, ये नाइट विंग से पंगा लिया हुआ था, पर ये ना ले भर, ले ऊपर मार, मार ऊपर एक बार लेके तो देख। मारा भी, उड़ के मार रहे हैं ना इसलिए हमारा ना थोड़ा लॉस जा रहा है। वो हमारे इसमें भी आधा पोच कर गया उसने, पर वो हमारा हमारा ये फॉक्स पार्क, वो ये गया। पेंगुलेट भाग, तू मार उसे, पेंगुलेट से बंगा लिया नहीं, अभी पेंगुलेट अभी छोड़ेगा नहीं, अभी फ्रीज करके मारेगा। पर ना क्या हो रहा है, इसको ना छुपा है ये कुत्ता, वो बच गए, तो ये पूरा खत्म कर देगा, इसका भरोसा भी नहीं पेंगुलेट का मेरे से। बस बस बस, इतने में आ जा आ जा, तू आ जा प्लीज आ जा, वो आ जा आ जा आ जा आ जा, आ गया फाइनली हमारा फेवरेट पोकेमोन आ गया नाइट विंग, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी मेरे को और पोकेमोन चाहिए, इलिटियर मैंने पास पकड़ लिया मैंने, तो इन सबको लेके आएंगे, पर हमारे दोनों से फाइट हो चुकी है, तो ये बीच में आ रहा है इसलिए थोड़ा सा डैमेज कम पड़ रहा है। तो ये गया है वैसे भी, तो वापस बुला लेते हैं वो, 1 सेकेंड, वो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तू ना आ, तू वापिस आ जाए एक बार, वो आया भी नहीं। नहीं नहीं पेंगुलेट, पेंगुलेट नहीं, पेंगुलेट नहीं, क्योंकि ना ये ना, तो अभी डाल रहे में पेंगुलेट आया, पेंगुलेट ने मारा ना तो एक बार में खत्म हो जाएगा वो। 62 चांसेस बढ़ रहे, चांसेस बढ़ रहे, मिल गया फाइनली हमारा है वो, क्या प्रीटी भी आ गया, बहुत पावरफुल पोकेमोन आ गए मेरे को। अभी घर जाके वापस मैं इन सबको ले लेता हूँ, और फिर हम जाते हैं और पोकेमोन से ले। हम लोग हमारे बेस पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर ये दोनों काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या पकड़ लिया हमने। किल मारी को पकड़ लिया, नाइटविंग को पकड़ लिया, विक्सी को पकड़ लिया, थिर डायर को पकड़ लिया, और रश और को पकड़ लिया, टेंजी
ये कैप्री सिटी को पकड़ लिया, और ये टैंजी और मेलबेक्का, और ये सबको पकड़ लिया तो मैं अभी मैं कैटाविया को यहाँ रखने वाला, हुक्रेट को भी यहाँ रखेंगे, तो मैं अभी नाइटविंग को लेके जाऊंगा और या इसको लेके जाएंगे। पर मेरे को मेल पैक का भी लेना है, तो मेल पैक का मैं स्पार्कलेट को यहाँ रुक देते, स्पार्कलेट यहाँ पर रहता रहेगा, मतलब बाद में जाएंगे उसको पिक करने के लिए, अभी ये दोनों को लेके जाते हैं। तो पावरफुल पोकेमोन है, मतलब ये ऐसा कोई सिंपल तो नहीं है। यहाँ पर मेमोरिस्ट मेमोरिस्ट की फाइट हो रही, दोनों में से जो भी जीतेगा ना उनसे अभी मैं उसको पकड़ने वाला हूँ, सेम ही लेवल के, तो अच्छा तगड़ा मारा मारी होगा। उसने मार दिया इसे, उसने मार दिया इसे, पर ना हम नहीं पकड़ पाए इसे क्योंकि हमारे पास ना स्पीयर खराब थी, मतलब ऐसा था मेरे को लिख के आया, हमें चाहिए होती पावरफुल स्पीयर, तो पावरफुल स्पीयर अलग होती थोड़ी सी, तो अभी नहीं पकड़ पाए हम इसे, कोई बात नहीं बाद में पकड़ लेंगे। ने बहुत सारी मेहनत करने के बाद हमें बहुत मारा गया, तो मेरे पास ये फ्लॉपी, ये नया पोकेमोन है, एथेरेडियर है, हमारा नाइट विंग है, ये मर गया था इसलिए हमें इसको लेके गए थे, तो हमारा फेवरेट कैप्री से एक्सचेंज कर लेते, ये सब कुछ है। तो अभी मैं यहाँ पर वापस क्यों आया आपको बता देता हूँ, मैं अभी बनाने वाला बेस अपग्रेड, तो अभी फीड बॉक्स बनाने है, तो फीड बॉक्स बनाने के लिए मेरे को बिल्ड में जाना होगा, 1 मिनट, रेसिपी अनलॉक करनी पड़ेगी, तो मैं टेक्नोलॉजी में जाता हूँ, अलग अलग रेसिपी होगी ना, ये फीड बॉक्स इसको अनलॉक कर देते, और हमारे अभी ले बेरी प्लांटेशन भी अनलॉक कर देते, थोड़ा पाल गियर वर्क बेंच स्टैच्यू पाल, ये हार्नेस क्या होता है, वुडन ट्रेवर फर्नीचर सेट, ये नहीं मेल पैक का सैडल, तो इससे अभी हम देखते क्या क्या हो सकता है, तो क्रशर विशर ये सब कुछ है, डाई हाउस सैडल, इनके सैडल मतलब मेरे को लगता है इनसे अभी हम ट्रैवल कर सकेंगे, तो यहाँ पर ही रख देते, तो हम तीनों मिलके बना देते, बाकी के दो कहाँ आ गए पन पता नहीं, पर अभी फीड बॉक्स से मेरे को लगता है उनको खाना मिलेगा, तो अभी ये इसमें खाना रखना पड़ेगा, ओके ये रख देते, आके खा लेंगे। तो अभी बी से फायर प्रोडक्शन की ने क्रशर, और ये प्रिमिटिव फर्नेंस यहाँ पे रख देते, बनाते रहेंगे वो लोग, गियर बॉक्स का सामान नहीं है हमारे पास, फूड में बेरी प्लांटेशन के लिए भी नहीं है। रुको 1 सेकेंड, मेरे को ना यहाँ पे जाना है, मेरे पास वुड है और ये भी है, तो सारे की सारी वुड लेके बॉक, तो अभी पाल बॉक्स को अपग्रेड कर देते, तो अभी हम और एक पोकेमॉन बना सकते हैं, तो अभी यहाँ पर एक पोकेमॉन रखने के मैं ये रख देता हूँ, तो ये कैप्री है, ये बहुत अच्छा साइज का पोकेमोन है, तो अभी मेरे को बनाना है वो, 1 सेकेंड, मेरे को फायर का वो कहाँ मिलेगा, टेक्नोलॉजी में वापिस जाते, फायर फायर कैंप फायर, तो अभी हम कैंप फायर बनाएंगे, ये यहाँ पे रखते, बेरी फार्मिंग का होना चाहिए था, तो अभी भी बेरी का देख लेता हूँ क्या चाहिए, वुड चाहिए और स्टोन, तो उसकी कमी तो नहीं थी हमारे पास, तो अभी मैंने सारा सारा सामान ढूंढ लिया है, मैंने कर लिया है सारा का सारा सामान, तो अभी मैं बनाने वाला हूँ बेरी फार्म, तो बेरी फार्म बनाने के लिए मेरे पास बहुत बैग भारी हो चुका है, मैं अभी चल भी नहीं पा रहा हूँ, तो बेरी फार्म हम वहां पर बनाएंगे, तब तक के लिए मैं ये फेंक देता हूँ, डिस्कार्ड कर देते, यहाँ से ड्रॉप, ये भी ड्रॉप, तो अभी चल सकेंगे थोड़ा सा, तब भी नहीं चल रहा है,
तो ये थोड़ा फ्लूड व्यूड फेंक देते, अभी भाग सकते। तो अभी मैं ना यहाँ पे बनाने वाला हूँ, वो इस साइड में बना देते। वो हमारे पास सारे के सारे वो खत्म हो गए। तो ये कलेक्ट कर ले, तो जो भी फेंक दिया था मैंने, हम तीनों मिलके बना देते। तो ये कौन है? ये हमारा ही है, पर अभी मेरे को ये करना पड़ेगा थोड़ा सा सेट, तो कर देते सेट अभी। तो अभी बेरी प्लांटेशन हो गया, F2 होल्ड सीड। तो है कोई तो काम कर रहे हैं आप। ओके, तू भेज रहे, तू ही कर फिर। कैप्री हमारा काम कर रहे। तो ये पोकेमोन हमारा कुछ तो यहाँ पर है सारा मैनेजमेंट। मैंने रिपेयर बेंच भी बना लिया, तो अभी घर भी हो गया हमारा। तो यहाँ पे फूड का भी कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे वो कर लेंगे सब कुछ। वाटर चाहिए कि इधर? तो हमारे पास एक भी वाटर पोकेमोन नहीं है क्या? वो ढूंढ देता है मैं। होगा होगा हमारे पास एक कदम। ये डिप्रेसर कौन सा पोकेमोन? वाटर टाइप चाहिए मेरे को, पॉइजन ब्लास्ट टाइप वॉल नहीं। ये कुछ काम का नहीं है। तो हाथी का आ गया, हाथी का बच्चा, वो गया होगा पानी डालने के लिए, क्योंकि उसका काम ही वही, हाँ वाटरिंग कर रहे कर रहे। तो उसको करने देते काम। हमारे अभी लेवल 10 हो चुकी है, हमें और लेवल कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो अभी पाल पाल बॉक्स अपग्रेड कर देते, तो देखते और आगे क्या क्या बनाना है। अभी पाल गियर, वर्क बेंच और स्टैचू बनाना। स्टैचू ऑफ पावर क्या होते, तो मैं अभी सर्च कर लेता हूँ। तो हमने वो ढूंढा तो वही होगा लगता है। हाँ, तो उसके लिए यहाँ पर ये टेढ़ा लग गया लगता है। एक मिनट एक मिनट, हाँ यहाँ पे बनाते। तो अभी दोनों दोनों मिलके बनाए ना, तो जल्दी हो जाएगा। आ गया हमारा डायट्री बॉय से पीछे से। अभी हमने सब कुछ अपग्रेड कर लिया है, तो यहाँ पर मैंने ये बहुत सारे बेड भी लगा दिए, हमारा स्टैचू भी लगा दिया है। तो यहाँ पर मैंने और चेस्ट बढ़ा दिए, यहाँ पर मैंने वो बनाने को रखा था, तो ये हमारे सारे पोकेमोन। तो यहाँ पे मैंने आयरन में इंगट डाल दिए, तो ये यहाँ पर है। तो मेरे को ये मेल पैक का सैडल मिला था, वो मैं एक्वायर कर लेता हूँ, मतलब हमारे पास कर सकते हैं उसमें। तो अभी ये दोनों यहाँ पे मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो हमने हमारा अभी बहुत सारे पावरफुल पोकेमॉन पकड़ लिए। तो आज के वाले एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो पे लाइक कीजिए, और अगले वाले एपिसोड में हम जाने वाले एक बॉस पोकेमोन से फाइट करने के लिए, और उसको भी कैप्चर करके लाएंगे, और देखते हैं आगे वो हम उसको मार पाते या फिर नहीं। और थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।